दोस्तों पिछले 18 महीनों में ऑल न्यू थार और एक्स यू 700 के लॉन्च होने के बाद नए स्कॉर्पियो के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इन तीनों में से स्कॉर्पियो बैल सबसे पुराना है और लगभग 2 दशकों से है। आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट्स कहती है कि नए स्कॉर्पियो को इस साल जून में SUV की 20th एनिवर्सरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों महिंद्रा ने स्कॉर्पियो SUV को पहली बार जून 2002 में लॉन्च किया था और अब जून 2022 में स्कॉर्पियो ब्रांड की 20th एनिवर्सरी होगी। सेकंड जनरेशन स्कॉर्पियो लॉन्च होने की कगार पर है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिंद्रा ने अपने TV कमर्शियल की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने 2022 स्कॉर्पियो के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ठीक करना भी शुरू कर दिया है। न्यू स्कॉर्पियो स्टिल अपराइट बट बिगर है। दोस्तों स्कॉर्पियो 2022 के नए स्पाइस शॉट्स का क्रेडिट इस बार भी रस लेन को ही दिया जाता है जो हमें रेगुलर स्पाइस शॉट्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इस बार के स्पाइस शॉट्स SUV के डिजाइन हाईलाइट पर प्रकाश डालते हैं। SUV का रुख अभी भी पिछली जनरेशन स्कॉर्पियो की तरह सीधा है और यहीं पर बस सारी समानताएं समाप्त हो जाती है क्योंकि नई जनरेशन थार और XUV700 की तरह 2022 स्कॉर्पियो भी पूरी तरह से एक नया वाहन है जो आउटगोइंग मॉडल के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता है। आगे की तरफ ऑल न्यू 6 लेट ग्रिल है जो XUV700 की तुलना में छोटी है लेकिन लुक को बढ़ाने के लिए क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा, जबकि SUV को पिछले मॉडल की तुलना में शार्प दिखने वाली LED हेडलाइट मिलती है। फ्रंट बम्पर में फोग लैंप, टॉप वेरिएंट पर LED, जिसमें सी शेप्ड सराउंड है जिसमें DRLs है। दोस्तों 2022 स्कॉर्पियो का सिलहूट आउटगोइंग मॉडल जैसा दिखता है लेकिन इसके द्वारा आप मूर्ख बिल्कुल मत बनना क्योंकि हर पैनल बिल्कुल नया है, पिछले जनरेशन मॉडल से कुछ भी शेयर नहीं किया गया है। यदि पिछली पीढ़ी की स्कॉर्पियो आपको बड़ी लगती है तो नई वाली स्कॉर्पियो बड़ी, लंबी और अधिक मस्कुलर है। हाईटेक एर्गोनोमिक कैबिन है। दोस्तों टॉप वेरिएंट में XUV700 के समान एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा जबकि एक बिग इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन डैशबोर्ड के सेंटर की शोभा बढ़ाएगा, जिसके दोनों ओर एयर कंडीशनिंग वेंट्स होंगे जिसमें इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए सामान्य बटन और नीचे HVAC फंक्शन होंगे। इनके नीचे पावर आउटलेट और USB पोर्ट होंगे। इसके अलावा दूसरी और तीसरी रो के यात्रियों के लिए अलग अलग AC वेंट्स और ब्लोअर कंट्रोल होंगे। पिछली पीढ़ी के स्कॉर्पियो कई खरीदारों ने शिकायत की थी कि SUV को एर्गोनोमिक रूप से क्रमबद्ध नहीं किया गया था और हालांकि महिंद्रा ने इस मोर्चे पर सुधार करने की बहुत कोशिश की लेकिन समस्या बनी रही। लेकिन भाइयों अब रिपोर्ट्स कहती है कि 2022 स्कॉर्पियो का कैबिन हर मिनट की डिटेल के साथ बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल होगा। पावर ट्रेन। दोस्तों 2022 स्कॉर्पियो में थार और XUV700 के समान 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन होंगे। हालांकि स्कॉर्पियो के इंजन XUV700 से कम और थार से ज़्यादा पावरफुल होंगे। 2022 स्कॉर्पियो में एक नया लैडर फ्रेम चेसिस भी होगा जो नई थार को भी रेखांकित करता है। केवल टॉप वर्जन पर उपलब्ध ऑल व्हील ड्राइव के विकल्प के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर पर होंगे। लोअर वेरिएंट में पावर केवल रियर व्हील्स को ही ट्रांसमिट की जाएगी। जबकि भाइयों अभी भी 2022 स्कॉर्पियो की कीमत के बारे में कोई शब्द नहीं है। आपके हिसाब से गाड़ी के बेस्ट मॉडल क्या सही वैल्यू फॉर मनी प्राइस होना चाहिए जबकि टॉप मॉडल 2022 तक ही जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये कीमती टाइम आप लोगों का मैं और ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई और सवाल न्यू स्कॉर्पियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।